नमस्ते दोस्तों, अगर हम कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमें एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ऑलवेज सेव द कॉस्ट, बिकॉज कॉस्ट सेविंग और कॉस्ट रिडक्शन इज इक्वल टू प्रॉफिट, क्योंकि हमारा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस ये ग्रॉस प्रॉफिट होता है, और इसलिए जितना एक्सपेंसेस कम उतना हमारा प्रॉफिट बढ़ता है, और इसलिए हर बात में हमने सेविंग करनी चाहिए। मैं इसके आपको कई एग्जांपल दूंगा कि हमारी इंडियन मेंटेलिटी हर छोटे छोटे बात में पैसे सेव करने की है। बहुत फनी एग्जांपल है और हम ये करते आ रहे हैं। जैसे कि हम शैम्पू का बॉटल खरीदते हैं और उसके बाद एक महीना यूज करने के बाद वो शैम्पू खत्म हो जाता है, तो जब हम वो बॉटल फेंकने जाते हैं तो उसके पहले हम उसका एक बार वापस यूज करते हैं, हम उसमें पानी भरते हैं। पानी भरने के बाद वो जो रिमेनिंग थोड़ा सा शैम्पू होता है उसका वापस हम सर पे लगा के यूज होता है, और वो पूरा पानी खत्म होने तक हम उसका यूज करते हैं, फिर वो बॉटल फेंक देते हैं। टूथब्रश एंड टूथपेस्ट हम जो यूज़ करते हैं वो कुछ दिनों के बाद ख़त्म होती है, तो उसके बाद हम टूथब्रश की जो डंडी होती है उससे वो आगे ऐसे रगड़ते हैं और पेस्ट का आखिरी जो पेस्ट होती है वो हम ब्रश को लगाते हैं और उसके बाद वो पेस्ट हम फेंक देते हैं। हमारा जो बाथरूम का सोप होता है तो उसको हम पीछे प्लास्टिक लगाते हैं, उसे हम कहते हैं सोप सेवर, जिसके कारण पानी के कारण वो सोप गलता नहीं, और वो सोप छोटा होने के बाद कई लोग उसे एक तो टॉयलेट के बेसिन में रखते हैं या कई लोग नए साबुन को वो पीछे से चिपका देते हैं। मतलब हर एक बात हम पूरी यूज करते हैं। अगर कोई टी शर्ट हमने परचेस किया तो टी शर्ट हम काफ़ी बार पहनते हैं, पहनने के बाद वो पुराना होता है, फिर हम रात को सोने के लिए यूज़ करते हैं, सोने के लिए यूज़ करते हैं, उसके बाद वो और पुराना होता है, फिर हम वो होली या रंगपंचमी के दिन पहनते हैं, उस पर पूरे कलर लगते हैं, और उसके बाद वो कई घरों में पोछा के लिए यूज़ होता है। मतलब अपनी टेंडेंसी ऐसी है कि हर बात में हम पैसे बचत करते हैं। फिर हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में हम बचत क्यों नहीं करते हैं? मैंने कई बार देखा है जब कोई लोग खुद पार्टी देते हैं तब वो मेनू डिज़ाइन करते हैं, बहुत छोटा सिंपल करते हैं, लेकिन अगर उनको कहा गया कि आपने क्लब की मीटिंग है तो उसके लिए डिनर का मेनू आपको डिसाइड करना है तो बहुत बड़ा ज़बरदस्त मेनू वो डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि पैसे क्लब के होते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। अगर हमें खुद को किसी होटल में जाना है, 4 दिन की ट्रिप है, तो हम सब जगह के रेट देखते हैं, जहाँ भी रेट कम है वहाँ पे हम बुक करते हैं, लेकिन अगर कंपनी का होटल हो तो हम तुरंत बुक कर देते हैं, तब हम ये नहीं सोचते। तो फिर ऐसा क्यों? जैसे हम घर में हर बात में सेविंग करते हैं, पैसा बचाते हैं, फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, तो उसी प्रकार हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जिस कंपनी में काम करते हैं, जिस सोशल क्लब में काम करते हैं, वहाँ पे हम पैसे का हिसाब क्यों नहीं करते, पैसे क्यों नहीं बचाते, यह हम सब ने सोचना चाहिए। और अगर हम ये हमेशा सोचते हैं तो हमारे बिजनेस की तरक्की होगी, हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की होगी और हमारे नेशन की भी इसमें तरक्की होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।